नमस्कार, मैं हूँ राज सक्सेना और आज आपके लिए लेकर आया हूँ फूड वेव एंड फूड चेन। जैसा कि हमने पहले वाले लेक्चर में बताया था कि आगे फूड वेव और फूड चेन हम आप पढ़ाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं फूड वेव और फूड चेन। तो सबसे पहले हम आते हैं फूड वेव और फूड चेन की डेफिनेशन पर, और हम बहुत ही ईजी वे में समझेंगे कि फूड वेव और फूड चेन होता क्या है। तो पहले हम फूड चेन को समझते हैं। तो फूड चेन क्या होती है? फूड चेन, अ फूड चेन सो हाउ इज लिविंग थिंग्स गेट फूड। इसका कहने का मतलब ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, कहाँ से बनाते हैं, यही इसका तात्पर्य है। एंड हाउ न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी आर पास्ड फ्रॉम क्रिएचर टू क्रिएचर। मतलब जो एनर्जी का जो फ्लो है वो एक दूसरे ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे पास होता है। नेक्स्ट पर जाएंगे, फूड चेन बिगिन विद प्लांट लाइफ एंड विद एनिमल लाइफ। मतलब ये प्लांट्स, एनिमल्स, जैसे इन्हें कैटेगराइज करते हैं, किसमें प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, इन सबको एक साथ लेके चलने की व्यवस्था को ही फूड चेन कहते हैं। सम एनिमल ईट प्लांट्स, सम एनिमल ईट अनदर एनिमल्स। जैसे कि फूड चेन के अंदर क्या होता है, कुछ जो जीव जंतु हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, और कुछ जीव जंतु क्या करते हैं, वो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल को भी खाते हैं। तो यही फूड चेन की डेफिनेशन है। अब आइए, व्हाट इज अ फूड चेन? फूड चेन है क्या? फूड चेन इज द पाथवे विच एनर्जी पास फ्रॉम वन लिविंग थिंग्स टू अनदर। कहने का मतलब क्या है कि जो फूड चेन है वो क्या है, जो एक दूसरे ट्रॉफिक लेवल से या एक दूसरे जो चेन बनी हुई है एनिमल की, प्लांट्स की, उनसे जो एनर्जी का जो ट्रांसफर है, मतलब कि प्लांट से एनर्जी कंज्यूमर्स पर जाएगी, फिर कंज्यूमर्स के भी फिर तीन कैटेगरी हैं। तो फिर मतलब कैसे एनर्जी का फ्लो चल रहा है, एनर्जी कैसे इधर से उधर ट्रांसफर हो रही है, उसी को हम फूड चेन कहते हैं। आगे चलेंगे, व्हाट इज इन अ फूड चेन? फूड चेन के अंदर होता क्या क्या है, मतलब जो फूड चेन, चेन मतलब वो चेन किससे बनी है, वो कड़ी कैसे बनी है, किसके माध्यम से बनी हुई है। तो उसमें सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। अब हम आगे इसको पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं। प्रोड्यूसर सरल भाषा में जो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इसमें जैसे ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, सूर्य की मतलब विद द हेल्प ऑफ सन एनर्जी दे विल मेक देयर फूड। वो अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सन एनर्जी एंड सॉइल। सॉइल में मतलब जर्मिनेट होते हैं, और सूर्य की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस अपना फूड वो बनाते हैं। अब क्या होता है आगे, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते हैं। कंज्यूमर्स हंट्स गैदर एंड स्टोर फूड बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओवन फूड। मतलब वो फूड बना नहीं सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स से अपना फूड लेते हैं। अब मैंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, थ्री टाइप ऑफ कंज्यूमर्स, मतलब कंज्यूमर्स तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। इन्हीं को कहते हैं हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। प्राइमरी कंज्यूमर को क्या कहते हैं, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होते हैं, हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, या फिर जो डायरेक्ट डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर। प्रोड्यूसर्स मतलब जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ही था कि जो ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, मतलब जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ग्रास हॉपर्स, रैबिट्स, स्क्वेरल्स, डियर एंड पांडा, मतलब ऐसे जीव जो सिर्फ घास फूस, पत्तियां, मतलब जो प्लांट्स के ऊपर टोटली डिपेंड होते हैं। आगे चलेंगे कार्निवोरस। कार्निवोरस एनिमल्स हु ओनली ईट अनदर एनिमल सच एज टाइगर्स, लॉयंस, हॉक्स, वॉल्फ एंड कॉन्गर्स। इसमें एक कॉन्गर्स मतलब ये बिल्ली की प्रजाति है, जो बड़ी बड़ी बिल्लियां होती हैं वो सब इसमें आते हैं। ये क्या करते हैं, ये अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं, एक तो पहली पहला पहला दूसरा ये क्या करते हैं, जो एनिमल्स प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, उनको मारकर खाते हैं, उससे अपना एनर्जी लेते हैं। ओमनीवोरस, ओमनीवोरस उस प्रकार के एनिमल्स होते हैं जो मतलब प्रोड्यूसर्स को भी खाते हैं और कंज्यूमर्स को भी खाते हैं, जैसे ह्यूमंस और बियर। आगे चलेंगे डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स मतलब तीसरी कड़ी।
डिकम्पोजर्स के अंदर क्या आता है? डिकम्पोजर्स के अंदर आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। जैसे कि आप लोगों ने कभी देखा होगा कि हमारे आसपास कोई डेड मतलब कोई भी जानवर मर जाता है तो उसमें क्या लगता है, छोटे 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 माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज कर देते हैं, बैक्टीरिया वायरस, और डिकम्पोज करके उसको मिट्टी में मिला देते हैं। जैसे कि आपने कभी कभी कोई प्लांट भी देखा होगा उस पर वो कहते हैं ना दीमक लग गई है, तो ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी में डायरेक्ट मतलब एनर्जी को, जो एनर्जी मिट्टी से बनकर ट्रॉपिक लेवल टू ट्रॉपिक लेवल बढ़ी और फिर वो मर गया, डेड डेड बॉडी उसकी पड़ी हुई है, तो उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस फंजाई ये क्या करते हैं उसको दोबारा से उसी मिट्टी में मिला देते हैं, उन्हीं को डिकम्पोजर्स कहते हैं। आगे इसी क्रम में चलेंगे तो एक स्केवेंजर्स होते हैं। स्केवेंजर्स वो एनिमल होते हैं, ये क्या करते हैं, किसी भी जानवर को या किसी को मारते नहीं है, इनको मरा हुआ कोई भी चीज मिल जाए उसको ये खत्म कर देते हैं खाकर, जैसे गिद्ध जो होता है। आगे इसी क्रम में चलेंगे फूड चेन एंड फूड वेब, क्या मतलब डिफरेंट इनके अंदर अंतर क्या होता है। तो इनके अंदर जो मेन अंतर ये होता है कि फूड चेन, अभी जैसे मैंने बताया आपको एक फूड चेन होती है कि जैसे कि अभी चलेंगे, अभी इसमें एक फूड चेन दिखाई पड़ रही है कि सूर्य से एनर्जी प्लांट्स के पास आई, प्लांट्स से ग्रास हॉपर्स, फिर एक मेंढक ने उसको लिया, फिर उसको एक बाज खा गया, तो ये फूड चेन है। और फूड वेव के अंदर क्या है, नंबर ऑफ फूड चेन्स फूड वेव को बनाती हैं। इसके अंदर बहुत सारी मतलब फूड वेव के अंदर बहुत सारी फूड चेन होती हैं जोड़ जो जोड़कर इसको बनाती हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ इसकी स्टडी करके देख लेंगे कि मान लीजिए ये प्लांट है ही, इसको अगर चूहा खाता है और चूहे को डायरेक्ट बाज खा जाता है, यहाँ पर प्लांट है इसको खरगोश खाएगा, उसको सांप खाएगा, सांप को बाज खा जाएगा। तो हाउ मैनी फूड चेन्स कैन यू मेक फ्रॉम दिस फूड वेब, मतलब उसने बताया है कि हम कितनी बना सकते हैं। लेकिन फूड वेव का डायरेक्ट मतलब ये है कि बहुत सारी फूड चेन मिलकर एक फूड वेव बनाती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।